देखियो कांग्रेस थोड़े कहने बच्चे मार देगी बिजली नाल सड़के मर जाया करो बिजली ना ला आप पानी कहते ये जो रिड़क रिड़के बिजली कटी है फोका पानी है थोड़ी कलर हो जाएगी जमीन तक दे सरकार भी उन्होंने हाथ ना दे रही बेच जाए ज्यादा ज्यादा और इस करके सानू सुचेत रहना चाहिए। राजसभा विच किसान विरोधी बिल पास होने तो बाद पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत सड़कां ते उतर के पटियाला गेट विखे रोस प्रदर्शन करके मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी करके धर्मसोत ने राष्ट्रपति नूं किसान विरोधी बिल ते साइन ना करन दी हाथ जोड़ के बेनती की है। राष्ट्रपति एक दलित चेहरा है ओह किसानां दे दुख नूं समझण ते साइन ना करन श्रोमणी अकाली दल दे वार करदिआं पहलां ओह बीजेपी नाल नाता तोड़न फिर जेल भरन अंदोलन दीआं गल्लां करन। धर्मसोत ने यह भी कहा है कि इस बिल दे पास होण नाल बेरोजगारी विच वाधा होवेगा ते किसान आड़तीआं मजदूर बर्बाद हो जाणगे। देश आजाद होया है आजाद हिंदुस्तान भारत दा टोटल आबादी 33 करोड़ दे नेड़े तेड़े सी और बड़ा मुश्किलां च घिरिआ सी भारत कांग्रेस पार्टी दी सरकार ने उदों दे प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है कि आजाद हिंदुस्तान नूं तकड़ा किवें कीता जा सके लोकां नूं किवें बचाउणा है और उस 33 करोड़ वास्ते भी बाहरों अनाज मंगाउंदे सी हथ अड्डदे सी फौज साडी कमजोर सी और कांग्रेस पार्टी दी हिंदुस्तान दी सरकार ने उदों एक फैसला लिया जय जवान जय किसान दा नारा दिता आजाद भारत वासियां नाल वादा कीता कि जवान ते किसान असीं तकड़ा करांगे जिहड़ा जवान आ साडी सरहदां ते तकड़ा होके लड़े साडी राखी करे देश दी और किसान इन्ना तकड़ा होए कि उन सानूं बाहरों हथ अड्ड के अनाज मंगणा ना पवे ढिड भरन वास्ते और मैं सकदा उदों कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने किसान नूं तकड़ा करन वास्ते ट्रैक्टर दिते बिजली दित्ती मोटरां चलाईआं और नहरां सूए दित्ते पानी वंडण नूं और अज ये जिहड़े पार्टी वाले ने ना उदों इह कहिंदे हुंदे सीगे आ बीजेपी वाले अकाली दल वाले देखियो कांग्रेस थोड़े कहिंदे बच्चे मार देगी बिजली नाल सड़के मर जाया करो बिजली ना ला लिओ आ पानी कहिंदे इह चों रिड़क रिड़क के बिजली कढ़ीए फोका पानी आ थोड़ी कलर हो जाएगी जमीन और सरकार ने कांग्रेस दी ने किसान नूं तकड़ा इन्ना कीता और पंजाब दे किसान ने मोहरी होया मैं सल्यूट करदा पंजाब दे किसान नूं जिन्हां ने मोहरी होके कुछ ही सालां दे विच अन्न दे भंडार भरे अन्न दे भंडार भर के कुछ ही सालों बाद 5 साल वास्ते असी एडवांस हो गए अज उस किसान नूं इस दुरदिशा वल धक्किया जाए उस किसान नूं रोलिया जाए उस आजाद हिंदुस्तान दे किसान नूं अंग्रेज़ां दे पहला अंग्रेज़ां दे हवाले सी हुण अडानी अंबानी वगैरह वगैरह दे 4 अमीरां लोकां दे थल्ले करना चाहुंदे ने मोदी साहब और मैं समझदा कि अज हर भारती का फर्ज बनता है खिलाकी फर्ज बनता है किसान के कंधे ते आए किसान साडा अन्नदाता है ये उन्होंने वड्डे व्यापारियों वाड़ के आ छोटे आड़ती है जो साडे खत्म हो जाएंगे इन्हों खत्म करना चाहते आम व्यापारी खत्म करना चाहते है फिर पूरा देश से कब्जा करके अडानी अंबानी अदानी मैनू लगता कि सरकार भी उन्होंने हाथों च ना दे बेचा ज्यादा ज्यादा बोल और इस करके सानू सुचेत रहना चाहिए राज्यसभा ते लोक सभा जब बिल पास होया धक्के नाल कराया गया और ये दिन काले अखरां च हिंदुस्तान दे इतिहास लिखा जाएगा और इस तो बाद मैं एक बेनती करदा कि सब तो वड्डी ताकत हिंदुस्तान दी राष्ट्रपति जी ने मैं राष्ट्रपति नूं हथ बन के बेनती करदा किसान नूं बचा लो हिंदुस्तान दा अन्नदाता है इनू बचा लो
इन्हां नाल धोखा हो रहा है। ये आर्डीनेंस राष्ट्रपति साहब को जाना है आखिरी, इस नूं रद्द करके एक मोहर लगा दे। और राष्ट्रपति एक दलित का बेटा है, दलित आगू है, दलित होने का सबूत दे दे। मेरी हथ बन के राष्ट्रपति नूं अरदास ही है, बेनती कर सकदा। और पंजाब दा, हरियाणे दा, हिंदुस्तान दा किसान बच जाए। 7 लाख जो जिहड़े आ मजदूर है पंजाब जो वेहले हो जाणगे जिहड़े मंडियां 'च काम करदे आ। मैं पहले ही कह रहा जी, मजदूर भी वेला होएगा, आड़ती भी वेले होणगे, सारे वेले हो जाणगे। छोटे मोटे जिहड़े चाह दी रेहड़ी लाउंदा उह भी वेला हो जाएगा, कोई मजदूरी करदा उह भी वेला हो जाएगा। किन्ने लोग, हजारां लखां बंदे वेले होणगे। ये हालात हिंदुस्तान की आज़ादी तो पहला वर्गा ना हो जाए। सुखबीर बादल ने ट्वीट किया, ट्वीट किया भी जिहड़ा हैगा राष्ट्रपति नूं बेनती की। राष्ट्रपति ने राज्यसभा समर्थन करता? राष्ट्रपति नहीं, सुखबीर साहब भुल जाते ने, यह उन्होंने तोड़ विछोड़ा का कारण है। वो अज जिहड़े हिंदुस्तान के किसान नूं मार रहे ने, आड़ी उन्होंने पाई बैठे ने, आड़ी तोड़ पूरी, आड़ी टुक नहीं कह देंगे, आड़ी टुक तो कर दे, आड़ी टुक तो करते नहीं। उपरों उपरों इस्तीफा दे के इं पंजाब के लोग हर वेरी ना मूर्ख नहीं बनते। हाँ जी, लोग किसान मर गए, उत्थे लखां दी तादाद जमा होण लग गए। तो फिर हरसिमरत कौर ने मने हुए भरे हुए मन नाल कुर्सी ने भी देखी जाती है, अस्तीफा भी देखी जाती है, कुर्सी ने भी देखी जाती है, अस्तीफा भी देखी जाती है। ये एक ड्रामा है। ये अजे जे किसान नूं प्यार करते ने, जिस किसान दे सिर ते किसान दे राखे सीगे, पंजाब च 50 साल 60 साल इन्हां ने राज कीता, अज किसान नूं पिट ना दिखाउण, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੇੜਾ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਲਟਾਂ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਾਂਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਾਤੋ ਰਾਤ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਜਰਾਲ MP ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਆੜੀ ਤੋੜ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ। ਆਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿੱਥੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੌਣ ਆ? ਹਿੰਦੂ ਹੈ 80 ਪੈਸੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੋਪੜਨਗੇ।